तो फ्रेंड्स, एस इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एक मिनी ड्रिल मशीन बना के दिखाऊंगा। इस 575 जो डीसी मोटर होता है उसकी मदद से एक मिनी ड्रिल मशीन कैसे बनाते हैं, फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। इजीली इस वीडियो को देखने के बाद आप एक मिनी ड्रिल मशीन घर बैठ के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरीके का न्यू प्रोजेक्ट में इस चैनल पे अपलोड करता हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, ज्यादा बात ना करते, चलते वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमें जो ड्रिल मशीन बनाना है, और बनाने के लिए हमें एक पीवीसी पाइप चाहिए। मैंने पहले से ही काट रखा है, क्योंकि इस तरीके का काटना और छेद करना आप भी कर सकते हैं, बट जो प्रोसेस है उसको आपको सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरीके से होल कर लिया है, और पहले एक पीवीसी पाइप को कट कर लिया है और होल कर लिया है स्विच के लिए, और दो और पीवीसी शीट को सीधा करके इस तरीके से होल कर दिया है, क्योंकि इसके अंदर से हमारा मोटर जो है वो बाहर की तरफ आएगा और इधर हमारा 12 वोल्ट सॉकेट डीसी सॉकेट लगेगा। तो फ्रेंड्स, फुल डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है, इस मोटर को इसके अंदर लगाना है, और लगाने के लिए हमें इसके अंदर छेद करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रू के मदद से हम इसको लगाएंगे। तो हम देख के स्क्रू की साइज देख के इसको छेद कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरीके से स्क्रू की मदद से इसको लगा दिया है, और सबसे पहले हमें जो काम करना पड़ेगा, इसके अंदर दो वायरिंग करना पड़ेगा, वायर सोल्ड करना पड़ेगा। तो वायर को सोल्ड कर देते हैं। तो एक वायर को मैंने इस तरीके से सोल्ड कर दिया है, और इसको अभी हम क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एक्स्ट्रा जो वायर थे उसको हम काटेंगे। तो वायर को हमने काट दिया, और इसको इस तरीके से इसके अंदर लगाएंगे, मतलब इस तरीके से इसको अंदर घुसा देंगे, और एक वायर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेंगे, क्योंकि वो हमारा स्विच का वायर जाएगा उस साइड से। तो हम उसको इस साइड से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस तरीके से इसको लगाने है, और लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से फेविक्विक की मदद से हम सेट कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इसको लगा दिया है, और अभी हम इस तरीके का एक स्विच, पेस्टी स्विच हमने ले आया है, तो इसके अंदर वायर को। तो फ्रेंड्स, स्क्रू के पहले जो कसना है, उस कसने से पहले इस जो हमारा नट की तरह देख सकते है, इसको इसके अंदर जो वायर है उसके अंदर लगाना पड़ेगा। तो इसको हम अंदर से घुसा लेते हैं, और अब हम इस वायर को कस देते हैं। और अब दूसरा जो वायर था उसको अंदर से घुसा देंगे, और घुसाने के बाद इस जो नट है उसको टाइट कर देंगे। तो हम टाइट कर देते हैं, तो देख सकते हैं इस तरीके से हम इस जो स्विच है उसको लगा दिया है, देख सकते हैं इस तरीके से लगा दिया। और अब हम जो हमारा पीछे वाला जो कवर है उसके अंदर इस डीसी सॉकेट को लगाएंगे। इस तरीके का एक डीसी सॉकेट मैंने खरीद के लेकर आया है, तो इसको लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने डीसी सॉकेट को लगा दिया है, और अब हम इसका जो वायरिंग है उसको करेंगे, एक्स्ट्रा जो वायर है उसको कट कर देंगे। और वायर को छील लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वायर को हमने छील लिया है, इस वायर को सोल्ड करेंगे। इस नेगेटिव वाला देख सकते हैं, इस तरीके इस साइड पे एक पिन है, मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगी। ये देख सकते हैं, इस वाला जो पिन है, इस ये हमारा माइनस है, तो उसमें एक लगाएंगे, और इस दोनों के अंदर से एक कोई भी एक समय हम लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लगाते हैं, और आप देखते रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस डीसी सॉकेट के साथ में वायर को भी लगा दिया है, और इसको अभी फिलहाल हम इस तरीके से अंदर की तरफ जो वायर है उसको रखेंगे, और रखने के बाद इस जो हमारा पिछला वाला जो ढक्कन है उसको फेविक्विक की मदद से हम लगा देते हैं, और इसके बाद इसका जो हमारा जो ड्रिल बिट है उसको भी लगाएंगे। तो हम लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इसको अच्छी तरीके से फिट कर दिया है, और फिलहाल ही इसका जो बिट है
ये देख सकते हैं मैंने खरीद के लेके आया है पहले, ये देख सकते हैं इस तरीके का बिट आया है, तो इसको लगाएंगे। सबसे पहले इस जो बिट का जो नट है उसको लगाना पड़ेगा इस तरीके से, और जो एलेंकी है उसकी मदद से इसको टाइट करना पड़ेगा। तो हम टाइट करते हैं, तो हमने टाइट कर दिया है। और इसके अंदर एक बीट को लगाएंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके का बीट होता है इसके अंदर। तो हम इस तरीके से इससे छोटा देख सकते हैं इस तरीके का बीट लेंगे और इसके अंदर से इसको लगा देंगे, और लगाने के बाद हम इसके अंदर घुसा देंगे। और इसको लगाने के बाद इस बड़े जो ढक्कन है उसको स्क्रू के टाइट कर देंगे, और अच्छी तरीके से हम टाइट कर देते हैं। तो देख सकते टाइट हो चुका है हमारा, तो इसको साइड में रखते हैं और फिलहाल ही आप इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको चलाने के लिए हम 12 वोल्ट का एक एडाप्टर यूज कर रहे हैं, इस तरीके का एक एडाप्टर। तो इसको 220 वोल्ट पे हम दे देते हैं, तो दे दिया है, और इसके जो सॉकेट है उसको लगा देते हैं। तो देख सकते हैं ये घूम रहा है, ये देख सकते अच्छी तरीके से घूम रहा है। और इसके अंदर से और एक पीवीसी शीट है मेरे पास इस तरीके का, इसको छेद करके देखते हैं होता है नहीं। तो देख सकते हैं छेद हो चुका है, ये देख सकते छेद हो चुका है। देखिए इस तरीके से आप एक मिनी ड्रिल मशीन बना सकते हैं, इजीली आप घर बैठ के बना सकते हैं, बट इस वीडियो को आप देखना पड़ेगा तभी आप कुछ भी सीख सकेंगे। और फ्रेंड्स आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से फुल देखना तभी आप कुछ भी सीख सकेंगे। और चैनल पे आना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि इस तरीके का न्यू प्रोजेक्ट इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो वीडियो को फुल देखने के लिए धन्यवाद।